नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वेतनमान का एरिया देने के लिए 2500 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर देने को हिमाचल सरकार 2500 करोड़ का कर्ज लेगी। वित्त विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी। बीते दिनों सरकार ने 1000 करोड़ का कर्ज लिया था। 15 सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों को एरियर दिया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त के तौर पर 1000 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की थी। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम खराब, 4 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं येलो अलर्ट के बीच शनिवार को कई भागों में बारिश हुई। शिमला में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 सितंबर के लिए प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के कई भागों में 9 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया। वहीं 24 घंटों के दौरान नगरोटा सूर्या में 98, आम 51, पालमपुर 50, धनशाला 39, भराड़ी 34, गुलेर 33, भोरंज 30, देहरा गोपीपुर 27, झंडुता और सरकाघाट 25-25, बिछड़ी 23, नादौन 19, ऊना और हमीरपुर 18, बलद्वाड़ा 14 और नूरपुर में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल के सरकारी स्कूल में दुनिया का सबसे बड़ा 20 फीट लंबा स्याही वाला पेन स्थापित। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सरकारी उच्च विद्यालय नौरंगाबाद में शनिवार को 20 फीट लंबा, 1 फीट मोटा और 43 किलो वजनी स्याही वाला पेन शक्ति स्थापित किया गया। स्कूल के मुख्याध्यापक का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पेन है जो लिखेगा ही नहीं बल्कि किसी भी शिक्षक के छुट्टी पर होने पर उनकी ओर से रिकॉर्ड लेक्चर विद्यार्थियों को सुनाएगा। खाकी बहने का इंतजार खत्म, 1241 अभ्यर्थियों को 7 को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। आखिर खाकी पहनने का इंतजार खत्म हुआ। हाल ही में प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास करने वाले 1241 चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित बटालियन में 6 सितंबर तक दस्तावेज सहित बुलाया गया। अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले मूल दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा। सभी अभ्यर्थियों को 7 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 269 महिला पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति 5वीं IRB बस्सी के कमांडेंट करेंगे। ऐसे में सभी SP को महिला पुलिस कांस्टेबल से संबंधित पूरा रिकॉर्ड बस्सी के कमांडेंट को भेजना होगा। हजारों शिव भक्तों ने लगाई पवित्र डल झील में डुबकी, पूजा के बाद लिए कैलाश पर्वत के दर्शन। पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान शनिवार दोपहर को राधाष्टमी के शाही मुहूर्त पर डल झील में हजारों शिव भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद शिव भक्तों ने पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन किए। चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद लोटा गड़वी भरकर झील का जल लेकर घर के लिए रवाना हो गए। दिन भर शिव भक्त पवित्र डल की ओर कूच करते दिखे। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर से शिव भक्तों ने शुक्रवार को शिव चेलो के डल झील पार करने, डल तोड़ने की परंपरा निभाने के बाद आस्था की डुबकी लगाई। पेजौर में रहने वाली हिमाचल हमीरपुर की महिला की हुई डेंगू से मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल बड़सर के पुलहेड़ा पंचायत के डुगाड गांव की महिला की डेंगू से मौत हो गई। महिला पिंजौर में रहती थी और डेंगू से संक्रमित थी। उसका उपचार पंचकुला के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। संक्रमित होने के 8 दिन बाद महिला की शुक्रवार शाम को मौत हुई। शनिवार को पैतृक गांव डुगाड में अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल में लंबी से बचाव के लिए 1.21 लाख गायों को लगाई वैक्सीन। राज्य में गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा। इसके तहत पशुधन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पशुपालन विभाग स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए है और साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में रोग प्रतिरोधी टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 1,21,080 गायों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नालागढ़ में मुकेश बोले बहुत उड़ गया हेलीकॉप्टर, अब अकेले बैठेंगे जयराम। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में हुई परिवर्तन रैली ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने तंज कसा कि बहुत उड़ गया हेलीकॉप्टर, अब कुछ दिन के बाद जयराम ठाकुर अकेले बैठेंगे। मंडी में हवाई पट्टी तो बना नहीं सके, रिवाज बदलने की बात करते हैं। चुनाव आते ही मुख्यमंत्री गरीब का साथ देने का नाटक कर रहे हैं। मैं गरीब हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, 5 साल कुछ किया नहीं और अब मौका मांग रहे हैं। महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी।
धर्मशाला के खनियारा में 45 भेड़ बकरियां लापता। बादल फटने से 15 घरों को भी आंशिक क्षति। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के समीप खनियारा में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के एक दिन बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को इलाके का दौरा किया। क्षेत्र में शुक्रवार को हुई भारी बारिश में कई घर और दुकानें तबाह हो गई थी। इसके अलावा 15 घर और 3 दुकानें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं क्षेत्र में 45 भेड़ और बकरियां भी बाढ़ आने के बाद से लापता है। कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने शनिवार सुबह पुलिस अधीक्षक कुशाल शर्मा के साथ खनियारा का दौरा किया। केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जयराम सरकार प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं उतरी। लोगों को भाजपा से बड़ी उम्मीदें थी और सब्ज बाग भी काफी दिखाए गए थे। चुनाव के दौरान और उपचुनाव के दौरान लोगों को लग रहा था कि पच्छाद का जो विकास है वो अलग होगा और विकास के मामले में पच्छाद सबसे आगे होगा, मगर 5 साल के बाद इस मौजूदा सरकार से पच्छाद की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। पावदा साहिब के जुनेजा अस्पताल के डॉक्टर ने महिला के पेट से निकाली 32 किलो की रसौली। जिला सिरमौर के पावदा साहिब उपमंडल के सूरजपुर में स्थित मैनकाइंड ग्रुप द्वारा संचालित जेसी जुनेजा मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। अत्याधुनिक तकनीक के सहारे युवा सर्जन डॉक्टर ने 32 किलो की रसौली निकालकर महिला को नया जीवन दिया है, जिससे पावदा क्षेत्र ही नहीं साथ लगते राज्य में भी खासी चर्चा चल रही है। वारे ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली में चल रही कार, शिमला में बाइक के नाम पर भेजा चालान। राजधानी के ढली थाने में वाहन के चालान का एक अजब सा मामला सामने आया। थाने में दर्ज शिकायत में कमलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि उनके पास HP 64B 2199 नंबर वाली कार है। कार सोलन में पंजीकृत है, जिसे उनका बेटा साहिल गुप्ता 3 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में चला रहा है। अगस्त 2021 में उन्हें कार के चालान का शिमला न्यायालय से एक नोटिस प्राप्त हुआ। हाल ही में उन्हें कार के चालान के संबंध में शिमला की अदालत से दोबारा नोटिस मिला। उसके वकील ने चालान के बारे में ऑनलाइन जांच की तो पता चला कि चालान में एक मोटरसाइकिल दिखाई गई है, जबकि उनके पास इस नंबर की कार है। जब जनता कर रही है कांग्रेस की गारंटीज पर भरोसा, तो बीजेपी के पेट में क्यों हो रहा है दर्द? कांग्रेस द्वारा प्रदेश को दी गई 10 चुनावी गारंटीज की चिंता छोड़ अपने झूठे वायदों और दावों पर प्रदेश की जनता को बीजेपी जवाब दे। ये बात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा ने कही। राणा ने अपने चुनाव क्षेत्र में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले और सत्ता में रहते हुए हर रोज नया झूठ जनता के साथ बोला हो, वो कांग्रेस द्वारा प्रदेश के लोगों को दी जा रही गारंटीज पर बोलने का कोई हक नहीं रखती। 400 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, अध्यापक की मौत। पुलिस थाना चुड़गांव के अंतर्गत खाबल के पास कार गहरी खाई में गिरने से चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक पाठशाला खाबल में कार्यरत अध्यापक सुरेंद्र सिंह निवासी झेलटवाड़ी शनिवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद कार में घर लौट रहे थे। चुड़गांव खाबल रोड पर खाबल से थोड़ी दूरी पर कार अचानक अनियंत्रित होकर 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही कार के परखच्चे उड़ गए और कार चालक सुरेंद्र सिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। 10,000 मेधावियों को 15 सितंबर के बाद मिलेंगे स्मार्टफोन। राज्य के स्कूलों कॉलेज के 10,000 मेधावियों को 15 सितंबर के बाद स्मार्टफोन दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने मोबाइल खरीद प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। वर्ष 2020-21 की बोर्ड परीक्षा में मेरिट पर रहने वाले और कॉलेज के मेधावियों के लिए विभाग ने 11,450 रुपए के स्मार्टफोन की खरीद की है। सोशल मीडिया पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस सोशल मीडिया पर मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। भाजपा के हाईटेक आईटी सेल का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने मंथन करना शुरू कर दिया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।